हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं द टेक्यूज़ गाइड चैनल। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं कि ये हमारा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें आपको माइलेज, ट्रिप हिस्ट्री और रिफ्यूलिंग, मतलब आपने कब कब फ्यूल फिल किया है, वो कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले चीज़, जैसे कि आप यहाँ फ्रंट में ही देख सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है एवरेज माइलेज 13.1 किलोमीटर पर लीटर। ये अभी माइलेज कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी कुछ लोग इस गाड़ी को सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब मेरे घर में, तो उसकी वजह से हम फर्स्ट या सेकंड गियर पे नॉर्मली चलाते हैं और ये इसकी वजह से इसका माइलेज थोड़ा कम है। क्योंकि नॉर्मली सिटीज़ में भी अगर आप चलाएंगे तो इसका माइलेज आपको कम ही मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 16-17। तो और अगर हाईवेज पे आप जाते हैं तो फिर आपको माइलेज आराम से 19-20 या 21 भी मिलता है कुछ लोगों को, जैसा कि मैंने पता किया है। तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर कि अभी आपकी कार, ये आपकी कार दिखा रहा है 242 किलोमीटर्स, और ये है आपका मतलब फ्यूल, पेट्रोल पंप आप कह सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अभी जितना फ्यूल आपकी कार में है उससे आप 242 किलोमीटर्स तक ड्राइव कर सकते हैं। ये कुछ बिल्कुल श्योर डेटा नहीं है, ये थोड़ा एस्टिमेटेड होता है, मैं कह सकता हूँ ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा जो टैंक है वो हाफ से थोड़ा ज़्यादा फुल है और इसमें 32 लीटर्स का टैंक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं इसमें अभी अप्रॉक्सीमेटली 20 लीटर्स है, 20 लीटर्स पेट्रोल है। तो 20 लीटर से आप 242 किलोमीटर जा सकते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना माइलेज मिल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली अभी तो 15-16 ही ऑलमोस्ट दिखा रहा है ये, तो मतलब अभी गर्मियों में एसी भी ऑलमोस्ट फुल पे चलता है तो इसलिए माइलेज आपको कम ही मिलता है। लेकिन मान लीजिए अभी विंटर्स आएंगे और वेदर थोड़ा चेंज होगा तो आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि लोगों की नॉर्मली विंडोज़ ओपन रहती हैं और माइलेज बढ़ जाता है बिना एसी के। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा डिटेल में। ये देखिए, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एवरेज भी दिखाता है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, मतलब कितना मिल रहा है आपको। तो इसको ऐसे ड्राइव करेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि आप फिफ्थ गियर में ले जाते हैं तो कभी कभी 25-30-40 तक भी टच करता है, लेकिन वो एक दो सेकेंड के लिए होता है। नॉर्मल इसका आप देखेंगे तो 20 या 22 तक ही रहेगा इसका इंस्टेंटेनियस एवरेज, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आता है। और आप देख सकते हैं अगर यहाँ जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको एक्टिव अलर्ट दिखाएगा। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो कार में बीप तो आती ही रहती है कंटिन्यूसली, साथ ही में यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे फ्लैश होगा कि वो सीट बेल्ट अनफास्टेंड, मतलब सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है। और यहाँ पे व्हीकल अलर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलर्ट भी दिखाएगा। मान लीजिए आपकी कार में फ्यूल भी कम है तो यहाँ पे फ्यूल वाला अलर्ट भी आता रहेगा कि आपकी कार में फ्यूल कम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको माइलेज हिस्ट्री दिखाएगा पर ट्रिप। जैसे देखिए हमारी जो ट्रिप वन रही होगी, मतलब लास्ट 5 ट्रिप में, उसमें हमको माइलेज मिला है 7.5। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये भी नॉर्मली सिटी में ड्राइव के लिए और ऐसे ही सीखने के लिए यूज़ की गई थी, वैसे ही ट्रिप 2 का भी है। जैसे आप ट्रिप 3 पे आते हैं तो ट्रिप 3 थोड़ी लंबी थी और ये अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स के आसपास रही होगी, 200 नहीं सॉरी अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स टोटल ट्रिप, तो उसमें आपको अराउंड 15.7 किलोमीटर्स पर लीटर मिला है, तो ये एवरेज ठीक है ऐसे गर्मी के हिसाब से। ट्रिप 4 में आप देख सकते हैं ये भी नॉर्मल यूसेज और थोड़ा आसपास के कामों के लिए सिटी में ही यूज़ की गई है, यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी होता है तो इसलिए यहाँ पे भी माइलेज थोड़ा कम है। और ये आप ट्रिप 5 देख सकते हैं 19 किलोमीटर पर लीटर्स मिला है, ये भी इस वक्त भी एसी चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली 2 पे, तो मतलब हाफ एसी की स्पीड भी मतलब हाफ पे थी, साथ ही में आपको माइलेज भी 19 मिला है। तो माइलेज इस कार का काफ़ी अच्छा है, फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, मारुति ने इस पर भी काफ़ी काम किया है, तो फिर ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब इस पे जाते हैं, ये जो आइकन बना है पेट्रोल फिलिंग टाइप का, तो इसमें आपको दिखाएगा कि जो आपकी लास्ट फिलिंग्स की गई हैं पेट्रोल की वो कब कब की गई हैं और उसमें कितना माइलेज मिला आपको। आप देख सकते हैं 15 अप्रैल को यहाँ पे फ्यूलिंग की गई थी कार की, फिर उसके बाद की गई थी 21 को और उस समय आपका माइलेज था 16, फिर उसके बाद 15.4, फिर 4.9, फिर 17.5, फिर 12.7। और आप देख सकते हैं इसमें डेट्स भी पूरी दिखाता है, जैसे 21 से 23, 15 से 21, फिर 21 से 23, मतलब 21 के बाद 23 को रिफ्यूलिंग हुई, फिर 23 के बाद 23 को फिर रिफ्यूलिंग हुई, फिर 23 के बाद 27 को रिफ्यूलिंग हुई, 27 के बाद 2 जून को ही। तो ये आपको पूरा डेटा देता है यहाँ पे रिफ्यूलिंग का, तो इससे आप अपनी गाड़ी भी ट्रैक कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कब कब गाड़ी की रिफ्यूलिंग हुई, कितना गाड़ी मतलब कितना माइलेज मिला और कब कब गाड़ी चली है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, मारुति ने ये काफ़ी इस पर भी काफ़ी अच्छा काम किया है, आप देख सकते हैं
कि पूरा आपको हिस्ट्री, माइलेज, ड्राइविंग रेंज सब पता चलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे ये कार का फीचर काफ़ी पसंद आया। उम्मीद है आप लोगों को भी ये फीचर पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो के थ्रू भी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक बार फिर से थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू।